फिरोजाबाद में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने धारदार हथियार से सोते समय अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नगला शिवलाल निवासी जय प्यारी यादव के पति राजेश यादव से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। रात में लड़ाई झगड़े के बाद पति चारपाई पर सोने चली गई। देर रात्रि पति ने धारदार हथियार से पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। मामले को लेकर एसपी सिटी सर्विस पर मिश्रा ने बताया कि पारिवारिक कलेश के चलते पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी घटना को लेकर साक्ष्य एकत्रित कर रही है। पूरी जांच होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी, पुलिस प्रशासन का कहना है। देखिए, ग्राम नगला शिवलाल थाना नगला सिंघी के अंतर्गत रात्रि में एक घटना घटित हुई, जिसमें पारिवारिक कलह की वजह से पति राजेश द्वारा अपनी पत्नी के गले पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुई और उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल एसओ नगला सिंघी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा भी आवश्यक प्रदर्श उठाए गए हैं। पति को हिरासत में लेकर गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है। शव का पंचायतनामा भर पीएम के लिए भेजा गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।